अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लोला के नाम से जो बहुत ही मेहरबान है, आज रहने वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ किरण और उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से तवा चिकन की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया 5 टेबल स्पून दही। इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे। दही को जब भी आप इस्तेमाल करें तो उसको अच्छे से फेंट कर इस्तेमाल किया करें। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, जिसमें है मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही कसूरी मेथी। ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को आप इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना इस तरीके से। और ये जो तवा चिकन कढ़ाई है ना हमारी, ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही ईजी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और तवे पर इसको बनाने का एक अपना ही मज़ा है, बहुत मज़े की ये बनती है। सारे मसाले मिक्स हो गए। यहाँ पर मेरे पास है 1 kg चिकन, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। और ये मैंने बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, इस तरीके से मैंने इसकी थोड़ी बोटी है जो उसको बड़ा ही रखा है, ये ऐड कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें हड्डी वाला गोश्त भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर लेते हैं, कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छे से आपने इसको कोट कर देना, जो हमने मसाला इसका वो ग्रेवी रेडी की थी। अब आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक तवा। अब हम इसको डाल देंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, वो ऐड कर देंगे। और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया। उसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाया, आप चाहें तो पेस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब आप इसको 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो उसमें स्मेल वैसे ही रहेगा, फिर सारे खाने से अदरक लहसुन का स्मेल आएगा, जिससे आपका खाना है जो उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को फ्राई तो 3 मिनट हो गए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक टमाटर, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो शामिल कर देंगे इस तरीके से। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना इस तरीके से। दो मिनट के बाद आपने टमाटर की अच्छे से इस तरह से पिटाई कर लेनी है, ताकि जो है अच्छे से मैश हो जाए। आप चाहें इस जगह पे टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, चीन भी टमाटो को ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से चम्मच से दबाते जाने, ताकि जो टमाटर है उनका पेस्ट बन जाए इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी यह मैश होते जा रहे हैं। देखिए जो हमारा टमाटर थे वो अच्छे से मैश हो गए हैं। और इस पेस्ट से आपको क्या करना है कि इसमें 1 टीस्पून कलर के लिए फूड कलर ऐड कर देना इस तरीके से। उसको मिक्स कर लेना। यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर है जो वो यूज़ किया, इससे जो हमारा चिकन है उसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। और अब हम उसमें शामिल कर देंगे चिकन, जिसको हमने मैरिनेट करके आधा घंटा पहले रख दिया था इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड कर देंगे। बॉल को अच्छे से आपने साफ कर लेना है, अभी सारे मसाले लगे हुए हैं ना, इस तरीके से आपने अब इसको मिक्स कर लेना। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे इस तरह से कवर करके ढक्कन लगा के लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से अंदर तक गल जाए। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हमारे चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। और आपने ढक्कन को हटा देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन हमारा उसका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब इस तरीके से आपने इसको चम्मच चलाते हुए भून लेना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है इस तरीके से। बहुत ईजी रेसिपी है, बस चिकन मैरिनेट करें, डालें और छोड़ दें, बहुत ईजी और जल्दी बन जाती है। अभी बस हमने जस्ट इसको 5 मिनट के लिए भून लेना, ताकि उसके ऊपर प्यारा सा जो कलर है वो आ जाए इस तरीके से। 3 मिनट हो गए चिकन को यहाँ पर भुनाई करते हुए। इसी तरह से आप इसको उठाते जाना, ताकि नीचे ना लगे, और इसको भूनते जाना
तो देखें इस तरीके से बहुत ईजी है। आप लोग ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, स्पेशली जो घर में बच्चे हैं जिनको चिकन पसंद हो उनके लिए रेसिपी आप लोगों को ज़रूर बनाइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस तरीके से इसको भूनते जाएंगे, देखते हैं आप देख सकते हैं कि इधर कलर आना जो वो शुरू हो गया होगा और काफ़ी हद तक हमारा चिकन कलर चेंज हो गया। ये तो हमारा चिकन है जो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद, इस तरीके से इसको फैला देंगे। और अभी भी अपनी तवा गर्म है, इसको बीच बीच में चम्मच चलाते रहें और चम्मच चलाते हुए ही इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए मज़ेदार से जो हमारी चिकन तवा की रेसिपी थी बिल्कुल रेडी हो गया और कितना प्यारा सा खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ गया। और इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।